हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। स्मृति लोक में फर्से जीवों को प्रेम से समझा कर, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। स्मृति लोक में फंसे जीवों को प्रेम से समझा कर, अमोलक नाम दान देकर, काल माया के बंधनों से छुड़वा कर, जीते जी मुक्ति मोक्ष दिलाकर, अपने निज धाम सतलोक ले चलने वाले वक्त के जीते जागते पूरे समर्थ संत सदगुरु जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने तपस्वी भंडारा कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन 28 मई 2022 को सायकालीन बेला में उज्जैन आश्रम पर दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया। गुरु महाराज की दया से तपस्वी भंडारा में गर्मी की बजाय मौसम सुहाना हो गया था। गुरु रामदास द्वारा अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का दृष्टांत से महाराज जी ने समझाया, समर्थ गुरु अपने भक्तों शिष्यों के लिए अब सब व्यवस्था कर देते हैं। देश में अन्न की कमी से मौतों को रोकने के लिए गुरु महाराज ने अयोध्या में यज्ञ कर शिव को प्रसन्न किया। महापुरुष जी सोचते हैं, हो जाता है, उन्हें कहना करना नहीं पड़ता। बहुत से लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? तपस्वी भंडारा का नाम सुन करके कि तपस्या करना पड़ेगा। अब वो लोग ज्यादा घबराए कि जो गुरु महाराज के पास खूब आते थे, पसीना बहाते थे, सेवा करते थे और सेवा का फल गुरु महाराज ने उनको दिया। जो चाहते थे कि हमारे पास धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, घर हो जाए बढ़िया, वो चीजें उनको मिल गईं। उनको ज्यादा अनि फिक्र हुई कि यर्षि छोड़कर जाएंगे, वहाँ कहाँ रहेंगे। बराबर कुछ लोग पूछे लोगों से, कितना अनि कितनी गर्मी है, कैसे लू चल रही है। कुछ लोग मोबाइल में देखे उज्जैन का क्या तापक्रम चल रहा है, तो आए ही नहीं आए। लेकिन जो चल पड़े, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरु को याद करके जो चल पड़े, उनको कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं महसूस हुआ। लगा कि जैसे कुदरत ने ऐसी वातावरण बना दिया है, एयर कंडीशन बना दिया है, कम पानी समझो धूप। अब भी देखो कम धूप है, कुछ दिन पहले तो वो इतनी समझ बहुत तेज धूप रहती थी। कुछ लोग सोचते भी थे 5 बजे से सत्संग होगा तो बड़ी गर्मी रहेगी, धूप लगेगी, लेकिन कहीं महसूस होता है? तमाम देखो ये प्रेमी भी सब धूप में बैठे हुए हैं। आप देखो ये हवा इतनी गर्म थी, लेकिन गर्मी भी इसकी कम हो गई और आराम से समझो कि यह सब हो गया। और थे ना गुरु रामदास, तो भक्तों की परीक्षा लेनी थी, तो भक्तों की परीक्षा लेनी थी तो पूरे हमको फोड़ा हो गया है। तो भक्तों ने कहा, गुरु गुरु महाराज फोड़ा हो गया है तो दवाई इलाज? बोले इलाज से नहीं जाएगा, ये फोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है। इस फोड़े को मवाद पड़ गया है फोड़े में, तो कोई मुंह से अगर मवाद को खींच ले, चूस ले, तो अन्य समझो कि ये अन्य फोड़ा हमारा ठीक हो सकता है। सब चले गए, मवाद कौन चूसेगा? और जो गुरु का भक्त कहाँ जाएगा? लगाया मुंह, जब उसमें खींचा तो अरे गुरु जी ये मवाद है कि ये तो आम का रस है, आम बांध रखा था। अपने बेटे को कौन अन्य समझो कि मवाद पिलाएगा? गुरु के जब बंदे हो, उनके नाम पर जब चल पड़े हो, उनके लिए जब एक तरह से मरने मिटने के लिए कुर्बानी आ गई आपके अंदर, कुछ भी होगा देखा जाएगा, तो उनको तो इंतजाम करने करना था। महापुरुष जो सोचते हैं वो हो जाता है, महापुरुषों को कहना करना नहीं पड़ता है। और गुरु महाराज अने समझो सोच ले ऐसा हो जाए, हो जाता है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।